हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द फौजी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। कि आंटी जी ने मुझे बोली कि आप जाओ, थोड़ा गेहूँ लाई हैं उसको धुलाई करके सुखा देना है। ये बोरे में गेहूँ है, ये झाड़ू लाया हूँ। आइए बाल्टी देखो कितना गंदा है। आज इसको धुलाई करूँगा, अछानूँगा, अछान करके फिर इसको पसारूँगा। बच्चों देख लो, गेहूँ धुलाई कर दिया हूँ। देखो सुबह से बुला रहे हैं, ये लड़का अब भी आया है। ले खाना, खाना लगा के रखा है यहाँ पे तेरे लिए। खाना नहीं खाता मैं आजकल दोपहर में। ये क्या बात हुई? I'm on diet. डाइट का मतलब ये थोड़ा कि खाना छोड़ दो, पापड़ खाओ। I'm living on पापड़ only. गाइस ये तो नेशनल भैया बन गया, प्रिंस नेशनल जीजू, मैं नेशनल दीदी, रिचा नेशनल भाभी, आप नेशनल पापा और दादा, नेशनल दादी और मम्मी। कवर छोटा छोटा डालो जा रहा है वीडियो में। तो गाइस हम लोग यहाँ लंच कर रहे हैं, दाल चावल और आलू की भुजिया, पापड़। इट्स सुन, मम्मी की साड़ी लेने जानी, कब चल रहा है बता? आज ले सकते हैं छुट्टी? कौन सा? आर्य समाज रोड पे जाएंगे मम्मी की साड़ी लेने के लिए। थोड़ा सा खा लेना। नहीं नहीं यार, बहुत ज्यादा खाने पे सो भी नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ पापड़ ही नहीं, खा खा खा। छत पे चलो, मम्मी ने बोला गेहूं उठाने के लिए। ऊपर की उठा दिए और हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने मम्मी की, आर्य समाज रोड पे। घर के इधर ही है। तैयार भी चलने के लिए? तैयार है चलने के लिए। कौन चल रही है? कितनी देर? कितनी देर? 10 मिनट काम कर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल द फौजी फैमिली। फौजी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। पिछले बार आपने वीडियो में बोला कि आवाज नहीं आ रही थी, इस बार कोशिश करेंगे तेज बोले कि आवाज पहुंचे वहां तक। इस बार मार्केट में जा रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लेना, वैसे तो दूल्हे के लिए कुछ नहीं लेना है। लेट हो रहे गाइस, चलो चलते हैं। बाद में ब्लॉगिंग में बंद करो कैमरा, बंद करो, बंद करो कैमरा, चलो निकलो। ये तीन लोग बैठ चुके हैं, मैं कहां बैठूं? काली घटा के अंदर आ गए हैं। ये लोग बहुत मार्केटिंग किए हैं, पूरा दिया है गेरी मार्केटिंग। अब बहुत सारा मंगाया है, कह रहे खाएंगे नहीं, वेस्ट हो जाएगा, देखते हैं वेस्ट हो सकता है। 10 लोगों का खाना है, वेस्ट नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि तो सब फेवरेट चीजें मांगेंगे सब। गाइस हमने सोचा था छोटे छोटे आने वाले हैं, बट ये इतना बड़ा आया है भाई, लगता हम सबका पेट भर जाना है इसमें। वही तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ओ भाई मस्त, ऑसम चटनी देखो। माँ मांस निकाल लो, इसके साथ नहीं खा पाओगी। ये है माय फेवरेट कढ़ाई पनीर, मम्मी के लिए रोटियां हैं तवा रोटी, मैंने अपने लिए मंगाई है बटर रोटियाँ। सो गाइस हम जा रहे हैं घर, और इतनी सारी शॉपिंग कर चुके हैं, पापा के पास इतने सारे हैं, बैग में कुछ कुछ है और मेरे पास इतने सारे, इसमें से मेरे कुछ नहीं है, सब इनके ही हैं, मम्मी और रेखा के, वो जा रहे हैं दोनों आगे। काफ़ी सारी मशक्कत
मशक्कतों के बाद हम आ चुके हैं घर। इतना सारा थैला लेके आए, इतना सारा और सारा उठाया मैंने है। ये कुली लेके गए थे, पर्सनल कुली। कल ही सारा सामान था हमारा। गाइज, रात के 12 बज रहे हैं और अभी अमित ने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि बहन तुझे क्या लगता है कि जब फ़ोन गुम हो गया था, मैं ऑटो के पीछे भागा था तो मुझे ऑटो कैसे मिला। और अमित की स्टोरी सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा। तो अभी अमित के मुँह से सुनते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त जब हम ऑटो से उतरे थे और हमें लगा था कि हमारा मोबाइल ऑटो में ही रह गया है और गुम हो गया। बता क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अमित ने इसका व्लॉग बनाया ही नहीं क्योंकि उस टाइम बहुत परेशान हो गया था। मैंने व्लॉग बनाया था कि अमित का फोन गुम हो गया था। तो अब अमित आपको सारी स्टोरी बताएगा कि आज हुआ क्या था। चल अमित बता। सो हुआ यूं, मैंने अपना फोन जेब में रखा, पापा का फोन जेब में रखा और मैं निकलने लग गया। पर निकलने से पहले हमने दोबारा फोन निकाला और एक व्लॉग बनाया कि हम निकल रहे हैं मार्केट में चीजें खरीदने के लिए। और जब मैंने व्लॉग बनाया, मैंने फोन को बेड पे रख दिया और मैं निकल गया था घर से। और मैंने सोचा कि मैंने दोनों फ़ोन रखे हुए, मैं फिर ऑटो में बैठा, ऑटो में जाके ब्लॉगिंग वॉगिंग करी। और पापा का और मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों के बैक कवर ही सेम है, बिल्कुल सेम से ही दिखते हैं। तो मुझे लगा मैं पापा का फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, बट ऐसे हैबिचुअल हो जाते हैं ना लोग कि एक फ़ोन लेके घूमते। मैं मतलब मोस्टली मैं अपना ही फ़ोन लेके जाता हूँ बाहर, ये दूसरा वाला लेके नहीं जाता। तो मेरे को लगा कि ठीक है, एक फ़ोन है मतलब ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ पर ऑटो से उतरे तो मैंने जब दोनों जेब में हाथ लगाया, दो फ़ोन नहीं, एक ही फ़ोन था। दूसरा फोन कहाँ गया, मैं तो ब्लॉग बना रहा था ऑटो में बैठ के। तो फिर मुझे लगा कि ऑटो में ही रह गया, जबकि ऑटो वहां से बहुत आगे निकल चुका था। और फिर मेरे को लगा ऑटो में ही रह गया, फिर मैं वापस भाग के गया ऑटो के पीछे पीछे कि उसमें कहीं गिर ना गया हो। तो लेकिन ऑटो तो बहुत आगे निकल चुका, तो मेरे पीछे से एक स्कूटी वाला था, मैंने उसको बोला भाई मेरा फोन उस ऑटो में रह गया, उस ऑटो का पीछा कर रहा है। जैसे मूवीज में देखा ना आपने, बिल्कुल वही सीन चल रहा था मेरे। एडवेंचरस लग रहा था। हाँ बिल्कुल एडवेंचरस, की फोन गुम हो चुका, मैं भाग रहा हूँ फोन लेने के लिए, बिल्कुल मूवीज वाला हाल में रखा था। फिर मैंने उसको बोला, उसने बोला हाँ हाँ चलो चलो। पहले तो वो सुना ही नहीं था, ये सुनते ही फिर मैं उससे लिफ्ट मांगने वाला, वो निकल गया था आगे, मतलब ऑलमोस्ट उसने मेरे को इग्नोर मार दिया था। बट जैसे मैंने बोला मेरा फोन रह गया, बंदा रुक गया, ये चीज सुनते ही रुक गया। मुझे ये चीज देख के बड़ी अच्छा लगा कि वो रुक गया, ये चीज सुनते ही वो रुका। मैं उसके पीछे बैठा, उसने फटाफट से भगाई स्कूटी और आगे गए। फिर ट्रैफिक जाम मिल गया था, जबकि ऑटो वाला उस ट्रैफिक से आगे निकल चुका था। उसमें बंदे ने मेरे से बोला भाई यहीं पर उतर जाओ और भाग के उसका पीछा करो, ऐसे मैं गाड़ी में आपको पीछा नहीं करवा पाऊंगा। फिर वहां से उतरा मैं, बहुत तेज भागा वहां से क्योंकि वो काफी आगे जा चुका था ऑटो वाला। बट उसके आगे फिर से उसको ट्रैफिक जाम मिल गया था, तो वहां वेट कर रहा था ट्रैफिक का। तो मैंने देख लिया वो वेट कर रहा है, उस ट्रैफिक को आगे निकला तो वो निकल जाएगा मेरे हाथ से। फिर बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ा था, मतलब मैं पूरा शर्ट पैंट पहन के बटे बन के तैयार होके गया था, तैयार होके गया था। मैं फुल स्पीड में दौड़ रहा था, लोगों को एक्सक्यूज मी करके दौड़े जा रहा था। लोग देखेंगे क्या हुआ। एक दो लोगों को धक्के धक्के भी लगे, लेकिन बहुत तेज दौड़ा। और आखिरी में उस ऑटो वाले ने शायद शीशे में देख लिया और वो रुक गया था वो चीज देख के कि मैं भाग के क्यों आ रहा हूँ। उसको भी लगा क्या हो गया। मैं उस ऑटो वाले से भैया मैंने बोला मेरा फोन वोन गुम हो गया, गिर गया इसी में गिर गया। मैंने चेक वेक किया, आगे चेक किया, बट नहीं मिला फोन। फिर मैंने ऑटो वाले से बोला अपना फोन नंबर दे दो कि क्या पता तुम्हें मिल जाए, कहीं पड़ा हो मेरे को फोन करके, ऐसा कुछ कुछ हो जाए तो दे देना। वो फोन नंबर भी नहीं दे रहा था, उससे लगा कहीं मैं पुलिस वुलिस केस करूँ तो उसका इनाम लगा दो। उसको बहुत डर लग रहा था, वो फोन नंबर दे ही रहा था मुझे, बट मैंने किसी भी तरीके से अपना फोन नंबर तो ले लिया था। फिर मैं वापस जब आया इन लोगों के पास, फिर हमने सोचा कहाँ हो गया, हम लोग वहीं से वहीं घर भी जाने लग गए थे। फिर मैंने प्लान किया कि आप लोग घर जाओ, मैं सोचता हूँ देखता हूँ रास्ते में कहीं मिल जाए। वैसे बहुत ही उम्मीद कम थी, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद हार चुके थे, बट मैंने सोचा एक ट्राई मारेंगे कहीं रास्ते में मिल जाए, बट ठीक था। फिर हमने फिर रेखा ने बोला क्या पता तू फोन लाया ही ना, बिकॉज दोनों फोन एक जैसे हैं, तूने अपने फोन से व्लॉग बनाया हो, पापा का फोन लाया ही ना। मैंने कहा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मैं की फोन लाया हूँ। फिर मैंने फटाफट अपने फोन में चेक किया कि क्या मैंने व्लॉग में ऑटो में बैठ के व्लॉग बनाया था। फिर चेक किया नहीं, इसी फोन से मैंने व्लॉगिंग करी थी, वो फोन लाया ही नहीं था मैं। फिर मैंने सोचा कि, और उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि उस फोन के अंदर ना सिम है, सिम नहीं तो इंटरनेट है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि मैं उसमें कॉल करके देख लूँ या कुछ कर लूँ, वो भी दिक्कत, ये भी बड़ा टेंशन। ट्रैक योर डिवाइस वाला सिस्टम भी नहीं था। हाँ तो ये बड़ी टेंशन आई थी, उसमें सिम नहीं था। सिम बहुत होता ना तो बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते थे। फिर मैंने सोचा अगर घर पे रह गया है फोन तो उसमें वाईफाई होगा तो उसमें नेट आ रहा होगा। तो मैंने फटाफट व्हाट्सएप कॉल किया और मैंने देखा रिंगिंग आ रही थी, इट मींस उसमें नेट है, इट मींस घरों में होने की चांसेस है। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन क्या किया कि मैंने एक गूगल का एक ऑप्शन होता है ट्रैक माई डिवाइस। आप भी अपने कभी फोन गुम हो जाए ना तो अगर उसमें इंटरनेट है तो ट्रैक माई डिवाइस गूगल में जाके सर्च करो और जिसमें भी आपका फोन लॉग इन था ना वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि आपका डिवाइस यहाँ पर है। तो मैंने सेम चीज़ करी, ट्रैक माई डिवाइस सर्च करा क्योंकि पापा के फ़ोन से जिस जीमेल से लॉगिन है और मेरे फ़ोन में भी उसी जीमेल से लॉगिन है। तो मैंने ट्रैक माई डिवाइस करा और उसमें दिखा कि मेरे घर पे ही है वो फोन।
तसल्ली मिली तसल्ली हमें, मिली, मम्मी फिर भी रोने डर को रहे थे गई हम लोग। थी। फिर हमारा उस टाइम भी प्लान बना कि नहीं घर चल के एक बार देख ही लेते। मैंने कहा नहीं चिंता मत करो यहाँ, दिख रहा है ट्रैक माय डिवाइस में, घर में ही है। वह मम्मी रोने को हो गई थी, हम हाँ सब बहुत ऑलमोस्ट। परेशान हो गए थे, पर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। गाइस आपको भी हाँ सीखने को मिला होगा इस पूरी स्टोरी से। हाँ सबसे पहले ये कि फोन गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ ट्रैक माई डिवाइस जाके आप ऑप्शन कर सकते हो, इंटरनेट होना जरूरी है। बट इन केस इंटरनेट नहीं भी, जैसे इंटरनेट आएगा ना आपको पता लग जाएगा कि यहाँ आपका डिवाइस। और एक और ऑप्शन होता है गूगल में, वाइप माई डिवाइस, तो जितना वाइप माई डेटा, तो जितना भी उसमें डेटा होगा आपके फोन में सब हट जाएगा और वो रीसेट कर देगा। तो आपका डेटा सेफ रहेगा, आपकी फोटोज वीडियोज अकाउंट सब सेफ रहेंगे, कुछ भी लीक नहीं होगा। तो ये सब चीज ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो एक तो सिम जरूर रखें ताकि कहीं गुम हो तो कॉल करने में इजी हो, क्योंकि सब रखते हैं, सिम हम ही ने नहीं रखा था हमने क्योंकि नहीं। वो हमने सिर्फ वीडियोस के लिए रखा हुआ था फोन, हाँ इसलिए। बट आप अभी सोचा उसमें सिम डलवा लेंगे, जिसमें इंटरनेट पैक डलवा देंगे, उसमें इंटरनेट हमेशा रहना चाहिए। तो थैंक गॉड मिल गया यार, नहीं तो बहुत तगड़ा वाला मूड ऑफ होता है। ना मूड ऑफ हो गया था, हम वहां पहुंच चुके थे मार्केट में, मार्केट हाँ, में से ही सबने मूड वाले चलते हैं वापस, हाँ, क्या करेंगे मतलब, हाँ, मार्केट कोई में भी नहीं शॉपिंग जाने नहीं वाले गई। थे हम। हाँ पर फिर कोई नहीं, गए शॉपिंग की, ठीक है। चलो आज का बहुत लंबा कॉन्वर्जेशन हो गया, एक सेटिंग व्लॉग बन गया। ये तो बहुत ही लंबा बात ही ऐसी थी कि बैठ के एक्सप्लेन करना मतलब टाइम लग गया है ना। अभी हो गई बहुत रात, अब हम थोड़ा वो सा दिख रहा है गाइस वो पीछे देखो, पूरी घड़ी नजर आ रही है कितनी, 12 से 10 हो गए, 12:10 हो चुके हैं, नींद भी आ रही है। बट सोचा थोड़ी सी एडिटिंग कर लेंगे, हम दोनों बैठ के एडिटिंग करेंगे, मैं अपनी करूंगी ये अपनी करेगा। एडिटिंग इसलिए कर लेते हैं एक रात को ताकि नेक्स्ट डे वीडियो डल जाए, और मेरा ऑफिस का काम रहता है, मैं दिन में नहीं कर सकता। तो मतलब ऑफिस का काम शुरू तो मतलब वहीं पर ही बिजी, उसके बाद मैं कहीं और जा भी नहीं सकता, ऑलमोस्ट बहुत ही कम टाइम मिलेगा। सो रात को एडिटिंग, सुबह ऑफिस, तो अभी तो यही चल रहा है थोड़ा गाइस सा। आप देखना चाहते हो इंजीनियर की लाइफ क्या था, कौन सा टॉपिक हमने सोचा था अमित? हाँ सो हमने सोचा कि एक और चीज़ पे, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो हमने सोचा था कि हम एक ऐसा व्लॉग भी बनाएं जिसमें मैं अपना रूटीन दिखाऊं। जैसे मम्मी का रूटीन आपने देखा, हाँ सो लाइफ ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एज अ हाउ ही वर्क्स इन अ वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में मेरा क्या रूटीन रहता है, किस तरीके से उठना, क्या काम चलता है, वो सारी चीज़ अक्सर शेयर करूँ। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ देखने में, मेरी डेली रूटीन, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो अगर हम प्लान करते हैं इसको, अगर अच्छा रहा आपका रिस्पॉन्स भी और लगा कि इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी, तो ज़रूर इसे बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है तो फटाफट इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड तब तक के लिए जय हिंद।